हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप गूगल पे ऐप से अपना बिजली का बिल कैसे भर सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल पे एप्लीकेशन ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक न्यू पेमेंट ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उसमें क्लिक कीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पर एक बिल पेमेंट ऑप्शन है, उसमें क्लिक करना है। जैसे मैंने क्लिक किया बिल पेमेंट पर, यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और जो फर्स्ट ऑप्शन है DTH, केबल टीवी, इलेक्ट्रिसिटी, पोस्ट पेड, ब्रॉडबैंड, लैंडलाइन। तो जो सेकंड ऑप्शन है इलेक्ट्रिसिटी को क्लिक कर देना है। और यहाँ पर बहुत सारा आपको इलेक्ट्रिसिटी का ऑप्शन मिल जाता है। जिस राज्य का आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हो उसी को सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि मैं बेंगलुरु में रहता हूँ तो यहाँ पे बेस्कॉम को सिलेक्ट करूँगा मैंने। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है नो अकाउंट लिंक्ड। तो फिलहाल कुछ अकाउंट भी लिंक नहीं हुआ गूगल पे के साथ। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है गेट स्टार्टेड, उसमें क्लिक कर देना है आपको। उसके बाद यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर देना पड़ेगा, बाद में अकाउंट नेम, यह ऑप्शनल। अकाउंट नेम दे सकते हो, नेम भी दे सकते हो। यहाँ पर मैं अपना जो अकाउंट नंबर डालूंगा इलेक्ट्रिक बिल का। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने अकाउंट नंबर डाल दिया हूँ। अगर आपको पता नहीं है कि इलेक्ट्रिक बिल में कहाँ दिया होता है अकाउंट नंबर, आप यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीनशॉट में, मैंने फ़ोटो लगा के रखा हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर, नेम, तो मेरा नेम डाल देता हूँ। ये ऑप्शनल है दोस्त, आप डाल सकते हो, नेम ही डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको जो एक एरो का निशाना दिखता है उसमें क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे मैंने अकाउंट नंबर डाला तो अकाउंट होल्डर का नाम आ गया यहाँ पर। और यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है लिंक अकाउंट, तो हम यहाँ पे लिंक करेंगे अकाउंट। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मेरा जो जितना भी पेंडिंग था इलेक्ट्रिक बिल अमाउंट यहाँ पर शो कर रहा है। तो मुझे अभी 387 पेमेंट करना होगा। तो पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख जाता है पे बिल और नेक्स्ट बिल डिटेल्स, आपको पे बिल में क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पर आपको अमाउंट पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर मैंने जो अकाउंट ऐड किया हूँ इससे आप पेमेंट कर सकते हो। नहीं तो अगर आप चाहते हो कि दूसरा किसी अकाउंट से पेमेंट करना है तो यहाँ पर जो दिया हुआ है आरो डाउन, उसमें क्लिक कर देना है। तभी जाके जितना भी आप अकाउंट लिंक किए होंगे गूगल पे के साथ पूरा यहाँ पर शो करने लगेगा। तो इनमें से मैं एक मेरा जो HDFC बैंक से पेमेंट करना चाहता हूँ मैंने, तो इसको सिलेक्ट किया हूँ। बाद में प्रोसीड टू पे, उसके बाद अपना UPI पिन एंटर करना होगा यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ पर जो राइट का निशाना दिया गया है उसमें क्लिक कर देना है। यहाँ पर अमाउंट नंबर और अकाउंट नंबर यहाँ पर दिख रहा है। तो दोस्तों, देख सकते हो हमारा जो इलेक्ट्रिक बिल का पेमेंट सक्सेस हो चुका है यहाँ पर। और मुझे मैसेज भी आ गया है कि 387 डेबिटेड हो चुका है मेरा अकाउंट से। तो दोस्तों, इस तरह आप घर बैठे आराम से गूगल पे से इलेक्ट्रिक बिल भर सकते हो।